नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लेफेराइटिस यानी कि जो आपकी आईलिड्स होती है इसमें सूजन की। बहुत से लोग होते हैं जिनको आप देखते होंगे, उनकी आँखों में सुबह शाम कभी कभी सूजन आ जाती है, आईलिड्स पर, पलकों पर कभी कभी शाम को आ जाती है और यह सूजन आपको परेशान करती है। हम आपको बताएंगे ब्लेफेराइटिस को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको लाभ देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ब्लेफेराइटिस होती क्या है। यह साथियों आपकी आईलिड की वह कंडीशन होती है जिसमें आपकी आईलाइट स्वेल कर जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, आपकी पलकों में लाली महसूस होती है और आपको परेशानी होती है। तो इसका मेडिकल टर्म जो है वह ब्लेफेराइटिस है। हम लोग इस वीडियो में इसी टर्म से इस मर्ज की चर्चा करेंगे। इसके सिम्टम्स साथियों, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी आंखों से पानी आने लगता है, आपकी आंखों में पेन होने लगता है, आपकी आंखें क्लॉग्ड हो जाती हैं, चिपकी हुई हो जाती हैं, उससे जो है थोड़ा बहुत पस या फ्लूइड का निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह तमाम सिम्टम्स होते हैं जो आपको ब्लेफेराइटिस के रूप में अपनी आंखों की पलकों पे दिखते हैं। इसके कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। तमाम कारण होते हैं आपकी आंख की पलकों की सूजन के, जिसमें मुख्य है कि आपके ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब आपके ऑयल ग्लैंड्स, आईलिड के जो हेयर्स होते हैं, आईलैशेस, इनको जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं और आपके आईलिड में सूजन आ जाती है। इसके अलावा और तमाम कारण होते हैं जिसमें कि कोई आपके माइट की एलर्जी हो जाना, कोई एलर्जी हो जाना आँख में किसी चीज़ से, कभी चोट लग जाना, इस तरह तमाम कारण होते हैं जो आपको ब्लेफेराइटिस पैदा करते हैं। हम आपको बताते हैं ब्लेफेराइटिस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों बता दें, आँख एक बहुत बड़ी नियामत है, हमेशा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही कोई दवा लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिसको आपको बताते हैं ब्लेफेराइटिस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो ब्लेफेराइटिस की आती है, आपके पलकों की सूजन को ठीक करने की आती है, वह है यूफ्रेसिया। अगर आपकी आँखों की पलकों में सूजन है, आँखों में जलन हो रही है और आँखों से पानी आ रहा है, तो आप यूफ्रेसिया दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँख की पलकों की सूजन को कम करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है आपकी आईलिड के सूजन के विषय में कि आपकी आईलिड्स में सूजन हो और साथ में बहुत पानी उससे आता हो। तो अगर यह स्थिति आप में हो तो इस स्थिति से निपटने की, इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रसटॉक्स। आप रसटॉक्स 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इससे आपकी यह समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, आपकी आंखों का आने वाला पानी भी रुक जाएगा निकलने वाला और आपकी आँख की सूजन भी खत्म हो जाएगी। एक और दवा साथियों जो बहुत कारगर है ब्लेफेराइटिस में, उस स्थिति में जब आपकी आँखों में चुभन और जलन हो रही हो, जब आपकी आंखों में चुभन और जलन हो रही हो, तो उस स्थिति में आपकी आँख की पलक की सूजन और जलन और चुभन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। आप एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपकी आँख में सूजी हुई हो, उसमें जलन हो रही हो, उसमें चुभन हो रही हो, एपिस के मरीज को नॉर्मली प्यास बहुत कम लगती है, आप इस दवा को लेके अपनी आँख की पलक की सूजन को कम या ख़त्म कर सकते हैं। एक सिम्टम किसी किसी में आँखों की पलकों की सूजन के विषय में आ सकता है कि आपकी आँख पे बहुत एलर्जी हो, बहुत मोटी सख्त पपड़ी पड़ जाती हो और आपके सर में भी ऐसी एलर्जी हो और आपके पपड़ी पड़ जाती हो। तो अगर यह स्थिति हो आपकी, तो स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मिजेरियम है। आप मिजेरियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको ठीक करेगी, आपको स्वस्थ रखेगी और आपको यह एलर्जी भी पूरी तरह खत्म कर देगी। एक स्थिति साथियों आपके सामने आ सकती है कि आपकी आईलिड्स में सूजन आ गई और उससे पस फॉर्मेशन हुआ और
क्रस्ट बन गई, पपड़ी ऐसी बन गई और आपकी आँख चिपक गई। अगर यह स्थिति है कि आपकी आँख में क्रस्ट बन रही है, पपड़ी बन रही है और उससे आपकी आँख चिपक रही है और आँख की पलकों पे सूजन है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपकी आँखों में जो पपड़ी पड़ रही, क्रस्ट बन रही, वो भी बनना ख़त्म हो जाएगी और आपकी सूजन भी ख़त्म हो जाएगी। ग्रेफाइटिस का पेशेंट साथियों आमतौर पर कब्जियत भी उसके रहती, वह कॉन्स्टिपेटेड होता है और महिलाएँ साथियों थोड़ी इस समस्या की फियर फैट एंड फ्लैबी होती है, जिनके यहाँ दिक्कत होती है। एक सिम्टम आता है साथियों, जब अगर आपके आईलिड में स्वेलिंग है और साथ में आपको धूप से चमक बहुत लगती है, तो अगर यह सिम्टम आप में है और आपकी आँखों में सूजन है, तो आपके आईलिड्स की आई के पलकों को, आईलिड्स को, सूजन को ख़त्म करने की और फोटोफोबिया यानी आँखों को चमक को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आंखों की पलकों की सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपका ये जो फोटोफोबिया, धूप में चमक की आदत है, आंखों में चमक लगने की आदत है, उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके बहुत हार्ड ट्यूमर हो गए हों, मतलब पलक सूजी हो, पलक सूजने के बाद पस पड़ा हो और गांठें पड़ गई हों और वह हमेशा सूजन आपके बनी रहती हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपके हार्डेंड ट्यूमर हो गया हो, सख्त गांठ सिस्ट हो गई हो आँख में और आपकी आँखें सूजी रहती हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी पलकों की सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपके ये बार बार जो स्टाइल पड़ा है, गंजिया पड़ी है, इसको भी घुला के ख़त्म कर देगी। एक स्थिति साथियों किसी के सामने आ सकती है कि उसकी आँखों में सूजन हो और उसकी आँखें सूखी हों, ड्राई आइज हों और उसमें खुजली होती हो, तो अगर यह सिम्टम है कि अगर आपकी आईलिड में सूजन है, आपकी आइज ड्राई हैं, सूखी हुई हैं और आँखों में खुजली होती है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लीजिए। यह जो पेट्रोलियम रेक्टिफेंस इसका पूरा नाम है, यह दवा आपके आँखों की ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगी और आपकी पलकों की सूजन को भी ख़त्म करेगी। एक साथियों स्थिति आ सकती है आपके आई लिड्स की स्वेलिंग के केस में कि आपकी आई लिड्स स्वेल रहती हों, आपको साथ में एक्ने की हमेशा शिकायत रहती हो और आपके स्टाइल यानी कंजिया आपकी आँखों से निकलती रहती हो। अगर यह स्थिति आप में है कि आपके कंजिया बार बार आती हो और आपकी आईलिड स्वेल रहती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँख की सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपके जो ये लगातार जो है बनी हुई क्रॉनिक कंडीशन है, इसको भी ख़त्म करेगी। पल्सेटिला के मरीज को आमतौर पर प्यास बहुत कम लगती है। अगर आप में ये सिम्टम है तो पल्सेटिला आँखों के पलकों की सूजन के विषय में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति किसी के सामने आ सकती है कि उस व्यक्ति की आँखें बहुत सूखी हों, बहुत सूजी हों, आँखें बहुत लाल हों, सुर्ख हों और दर्द कर रही हों, तो अगर स्थिति हो कि आँखों की आईलिड्स में बहुत सूजन आ गई, बहुत स्वेलिंग आ गई और बहुत दर्द हो रहा है आपको आँखों में, तो उस स्थिति में आपकी जो दवा मदद कर सकती है उस दर्द को रोकने में, सूजन और लाली को बैठाने में, वह है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँखों की सूजन को भी ख़त्म करेगी, आँखों की लाली को भी ख़त्म करेगी और आपकी आँखों में दर्द को भी ख़त्म करने में सक्षम है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपकी आईलिड्स बहुत वक्त से सूजी हुई हों और वह क्रॉनिक तौर पे अब सूजी रहती हों और धीरे धीरे वक्त के साथ आपका एक एक आईलैश छोड़ गया हो, आँख पे कोई आईलिड्स पे कोई बाल ही ना बचा हो, तो अगर यह स्थिति किसी में हो आप में, तो उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एल्यूमिना। आप एल्यूमिना 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आई की स्वेलिंग को भी ख़त्म कर देगी आई लैशेज की और जो ये क्रॉनिक आपके इतने दिनों से ये केस चला आ रहा है, इसको भी ख़त्म कर देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी आईलिड सूजी हुई हो, आँखों की पलकें बहुत सूजी हुई, आँख में पपड़ी पड़ रही हो और पलकें आपकी झड़ रही हों, आई लैशेज आपकी झड़ रही हों, तो अगर यह 3 सिम्टम आप में हैं,
तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस आपकी आंखों की सूजन को ख़त्म करने की, आपके पलकें झड़ने से रोकने की और लाली को ख़त्म करने की, वह है सल्फ़र। आप सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपकी इस समस्या को ख़त्म करेगी, आपको लाभ देगी और आपकी आंखों में यह जो एलर्जी आ रही, क्रस्ट आ रही है, इसको भी ख़त्म करेगी। एक साथ यूँ स्थिति आ सकती है किसी के सामने कि आपकी आंखों में सूजन आई हो और सूजन आने के बाद मवाद बनने लगा हो और वह आपको परेशान कर रहा हो। तो अगर मवाद नहीं सूखेगा जो जब तक आपकी आईलिड की सूजन नहीं सूख सकती, तो उस स्थिति को ठीक करने की, उस पस को सुखाने की और आपके आईलिड्स की सूजन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में हीपर सल्फ्यूरिस। आप हीपर सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँख की सूजन को भी ख़त्म करेगी और आप में अगर मवाद जो पस फॉर्मेशन हो रहा है आपकी आईलिड्स पर, आईलैशेस के आसपास, उसको भी ख़त्म करके आपको आराम देगी। एक साथियों बहुत कॉमन सिम्टम आता है जब आपकी आईलिड्स स्वेल कर जाती हैं, वह है सिफिलिस। बहुत लोगों को आईज़ के आसपास सिफिलिस हो जाती है और उसके बाद उनकी आईज़ स्वेल कर जाती हैं। तो अगर आप में यह स्थिति है कि आपकी आईलिड स्वेल कर रही हैं और आपको सिफिलिस की हिस्ट्री प्रेजेंट या पास्ट रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की, सिफिलिस की और आपके आईलिड्स की सूजन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है मर्कुरियस कॉर। आप मर्कौर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँखों की सूजन को भी ख़त्म कर देगी और आपको भी स्वस्थ कर देगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है आँख की पलकों की सूजन में कि आपकी आँखों की पलकों में बहुत सूजन आ रही हो, आँखों की पलकें लाल हो गई हों और उससे बहुत पानी आ रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी पलकों में बहुत सूजन हो गई हो, लाली आ गई हो और आँखों से बहुत पानी, टीयर्स आ रहा हो, तो उस स्थिति को निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क्यूरियस सॉलिब्रिस। मर्सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपकी आँख की पलकों में सूजन हो, आँख से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो और आँखें बहुत लाल हो। यह दवा आपकी मदद करेगी। एक साथियों और बहुत अच्छी दवा है आपकी आईलिड्स को सूजन को ख़त्म करने की, यानी ब्लेफराइटिस को ख़त्म करने की, जब साथ में आपके फोटोफोबिया और क्रिएटाइटिस हो, बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में और दवा का नाम है क्राइसोफेरिकम एसिड। अगर आपकी क्रिएटाइटिस है और ब्लेफराइटिस है और साथ में फोटोफोबिया है, तो आप यह दवा ले सकते हैं। यह दवा आपके इन तीनों सिम्टम को ख़त्म करके आपकी आँखों की सूजन को ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, आपकी आँखों की पलकों पर सूजन हो और आँखें आपस में चिपक जाती हों और आँखों में रेत ऐसी गड़न होती हो, सैंड ऐसी गड़न होती हो, तो अगर यह दिक्कत आप में है तो इसको ठीक करने की भी दवा रेत से ही बनी है होम्योपैथी में और वह है सलीसिया। आप सलीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपकी आँख की पलकों में सूजन हो, आपकी आँखों में रेत ऐसी चुभन होती हो और आपकी आंखें आपस में चिपक, पलकें आपस में चिपकती हों, तो सलीसिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा लेने पे आपको लाभ मिल सकता है। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके ब्लेफराइटिस की, आंखों के पलकों की सूजन की। मैं आपसे फिर कहूँगा कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ये कारगर दवाएँ हैं, ये भी सही बात है। आपको इससे जानकारी मिली होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर लिख सकते हैं। आपसे निवेदन है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और उससे ज़रूरी इसको शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके यूँ ही नए नए वीडियो हम लोग के ऐसे ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।